आत्माराम की आत्मकथा स्वामी जपानंद। आज का शीर्षक दही खाने की इच्छा। गांव के निकट एक प्रौढ़ महिला और एक युवक प्याज के खेत में काम कर रहे थे। मुझे देखकर प्रौढ़ ने युवक को कुछ आदेश दिया। युवक बोला, महाराज, माँ आपको थोड़े से प्याज देना चाहती है, ले जाओ, सब्जी बनाने के काम आएगी। मैंने कहा, भाई मैं खुद पकाता ही नहीं तो फिर प्याज लेकर क्या करूँगा। उसने फिर कहा, आज रात को यहीं रहोगे ना, तो चलो हमारे घर, माँ प्याज की सब्जी और पराठे बनाएगी, खूब मजे से खाएंगे। वे लोग साथ में मुझे भी अपने घर ले गए। चांदनी रात थी, बाहर आसन लगाकर बैठा। गांव काफी बड़ा था। मन ही मन सोच रहा था कि यदि थोड़ा सा दही मिल जाता तो अच्छा होता, क्योंकि 2 दिन के उपवास से पूरा शरीर तंत्र गर्म हो गया था, पेशाब भी बंद होता। नदी या झरने के पानी में बैठकर ठंडा होने के बाद ही पेशाब कर सकता था, इसलिए लगा कि यदि थोड़ी दही मिले तो। खाते समय देखा, आध सेर दही, प्याज की सब्जी और पराठा दिया है। माँ की दया अपरंपरा है। खूब तृप्ति से खाया, वहाँ ठीक से खा नहीं सका था, यहाँ दही खोने से खूब खाया। रात को नींद होने से सुबह शरीर काफी स्वस्थ लग रहा था। रोटी बनाने का अनुभव। विदा लेकर टिहरी के पथ पर चल पड़ा। दोपहर के 2 बजे एक गांव में पहुंचा। देखा सब खेत में काम करने चले गए थे। एक घर के आंगन में सिर्फ एक बुढ़िया बैठी थी। मुझे बुलाया, भिक्षा हुई है महाराज? नहीं बूढ़ी माँ, सब खेत गए हैं, शाम को लौटेंगे। घर में चूल्हा नहीं जला है, थोड़ा सा आटा ले जाओ। और उस मकान में तलाटी राज कर्मचारी आया है, वहीं चूल्हा भी जल रहा है, रोटियां बना लेना, इस समय के लिए कुछ आधार हो जाएगा, रात को यहीं खाना। ये कहकर करीब 8 सेर आटा और चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा नमक दिया। गरीब पहाड़ी लोग प्राय प्रतिदिन नमक रोटी ही खाते हैं। उस मकान में तलाटी ने मेरा स्वागत किया, बताया कि मैं उनके चूल्हे पर रोटियां सेकना चाहता हूँ। उनके पास कोई पात्र नहीं था, तवा भी नहीं था, रोटी किस तरह सेकता? एक टूटे हुए मिट्टी के तेल के डिब्बे का टुकड़ा पड़ा था, उसी को रेत से रगड़कर साफ किया। अंगोछे में आटा साना, आधा अंगोछे में ही मैं लगा रहा। हम दोनों खूब हंसने लगे। इससे पहले मैंने कभी रोटियां नहीं बनाई थी। हाथ से दबा दबा कर किसी प्रकार चपटा किया और हर रोटी एक अद्भुत आकार की बनी। उस 3 के टुकड़े को तवा बनाकर रोटियां सेकी। मेरा यह कार्य देखकर वह खूब हंसने लगा, परंतु मुझे बड़ी भूख लगी थी। खाने को बैठ ही रहा था कि एक पहाड़ी आया और वह भी मेरा कार्य देख हंसने लगा। तलाटी के पास सभी प्रकार के बर्तन थे, परंतु उसने दिया नहीं था। उस पहाड़ी ने ही मुझसे कहा, क्यों, उसके पास से ही तवा ले सकते थे। मैं बोला, नहीं दिया। इस पर वह खूब नाराज हुआ और बुरा भला कहने लगा। बोला, यह कैसी बात, आपको तवा देने में उसे क्या आपत्ति थी आदि। उसने पूछा, स्वामी जी रोटी किससे खाओगे? मैं, नमक से। पहाड़ी, थोड़ा ठहरो, मैं धनिया पत्ती की चटनी बनाकर लाता हूँ। हरी मिर्च और धनिया पत्ती की चटनी के साथ 4-5 रोटियां खा गया। आहा, उसका स्वाद आजीवन नहीं भूल सकूंगा, मानो अमृत था। टिहरी के अनुभव। वहां से टिहरी की दूरी मात्र 1 मील थी, उसी ओर चल पड़ा। इतने पास पहुंचकर गांव में रात बिताने का धैर्य नहीं रहा। अब भी थोड़ी रोशनी है, निकट ही काफी नीचे गंगा जी की 2 धाराओं के बीच चित्र के समान सुंदर टिहरी शहर है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। एक ओर के पर्वत शिखर पर सफेद चमकती हुई
तुषार माला मुकुट की भांति शोभा पा रही थी। अपूर्व मनोरम दृश्य है। प्राणी में एक अपूर्व आनंद होने लगा। एक पत्थर पर बैठकर जी भरकर वह दृश्य देखता रहा। नैनों को तृप्ति ही नहीं हो रही थी। सोच रहा था मन, यही वह टिहरी है जिसके लिए तुमने इतना कष्ट पाया है। यह वही टिहरी है जहां आने के लिए तुम्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा है। आंखें भरकर देख लो, कौन जाने वहां रहने की जगह मिलेगी भी या नहीं, अन्न भी मिलेगा या नहीं। अस्तु, तुम्हारी आकांक्षा पूरी हुई, बाकी माँ की जो इच्छा है वही होगा। टिहरी। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। उनकी स्वर्णिम छटा की चंचल किरणें सुदूर बर्फ से आवृत पर्वत शिखरों पर क्रीड़ा कर रही है। गौरी गौरी, ऋषियों की आराध्य गौरी, महादेव के हृदय में विराजने वाली गौरी, सामने क्या वे ही नहीं है। मैंने धीरे धीरे उतरना शुरू किया। संध्या होने के पूर्व वहां पहुंचना आवश्यक था, क्योंकि एक तो नई जगह और दूसरे मैं एक अकिंचन अपरिचित सन्यासी, रहने के लिए जगह भी तो ढूंढनी होगी। गंगा के पानी में हाथ मुंह धोकर नगर में प्रवेश किया। बड़े रास्ते के पास ही एक धर्मशाला थी। भीतर जाकर देखा, लोगों की भीड़ लगी थी। तिल धरने तक को जगह न थी। गुजराती मराठी दक्षिणी बंगाली सब निज निज भोजन बनाने में व्यस्त थे। मेरे आने के पूर्व ही थोड़ी बारिश हो चुकी थी। रास्ते में भी छिटपुट वर्षा का सामना हुआ था। नीचे के एक हाल में विभिन्न संप्रदायों के 15 साधु सन्यासी अपने अपने आसन पर बैठे थे। कुछ आसन खाली पड़े थे। शायद कुछ लोग कार्यवश बाहर गए थे या कोई कोई दाल रोटी बनाने में लगे थे। ब्रह्मचारी सदानंद नाम के एक बंगाली साधु भी रोटियां बना रहे थे। पहले वे ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में रहते थे और मुझसे थोड़े परिचित भी थे। मुझे देखते ही वे दौड़ कर आए और अपने ही आसन के पास जगह कर दी। मेरा दुर्बल शरीर देखकर वे बार बार कहने लगे, लगता है आपको रास्ते में बड़ा कष्ट हुआ है, पैदल चलने का अभ्यास नहीं है ना, इसीलिए आज मेरे साथ ही भिक्षा कीजिएगा। वे पानी में नमक डालकर उसे गर्म करके ले आए और बोले, पैरों को अच्छी तरह धो लिए, इससे थकान भी कम होगी और रात में नींद भी अच्छी आएगी। इतने में काले काले बादलों के घीर आने से अंधेरा छा गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुछ दिनों से सूर्यदेव भी वहां यदा कदा ही नजर आते थे। केवल उसी दिन शाम को आकाश खूब साफ हुआ था, इसलिए तीर्थ यात्रियों की टोली 2-3 दिनों से कहीं बाहर नहीं निकल सकी और टिहरी में ही पड़ी हुई थी। धर्मशाला में भी इतनी भीड़ होने के यही कारण था। खूब वर्षा हो रही थी। अपने एकमात्र संबल रूपी कंबल को ओढ़े मैं नीचे के बरामदे में खड़ा था और देख रहा था कि भोजन बनाने में व्यस्त यात्रियों में कहीं कोई अपना परिचित भी तो नहीं है। 2 मंजिले पर अहमदाबाद के कोई मिल मालिक गुजराती सेठ दलवल के साथ ठहरे हुए थे। उस वर्षा के दौरान ही उनके किसी आदमी ने सहसा मिट्टी के एक सकोरे से पतला पखाना नीचे फेंका। मेरे कंबल पर भी उसके छींटे पड़े। एक वैष्णव साधु के वस्त्र पर भी छींटे लगे और वहां से गुजर रही एक गुजराती महिला के कपड़े भी खराब हो गए। वह महिला तथा वह वैष्णव साधु खूब गाली गलाजे करने लगे और मैं बैठा बैठा सोचने लगा कि अब क्या करूं, इस ठंडक में रात भर क्या ओढ़ूंगा, रात कैसे कटेगी, कंबल का धोकर कहां सुखाऊंगा। उस वर्षा में ही सिर्फ कौपिन पहनकर स्नान करने और कंबल धोने के लिए गंगा की ओर जाने लगा। सदानंद जी यह देखकर बड़े नाराज हुए और ऊपर जाकर सेठ जी को खूब डांट लगाई। धन के नशे में चूर सेठ जी अपने नौकर की गलती मानना तो दूर,
उल्टे गूफ फेंकने का आरोप बिल्कुल झूठा है कहकर सदानंद जी का अपमान करने को उद्यत हुए। शोरगुल सुनकर कुछ साधु तथा पंजाबी गृहस्थ लोग वहां पहले ही आ पहुंचे थे। उनमें से एक को पता था कि सेठ के कुटुंब में किसी को दस्त की शिकायत है और डॉक्टर की इलाज भी चल रहा है। उन्होंने सबके सामने यह बात बताई और सेठ को माफी मांगने के लिए कहा। तभी नीचे गाली दे रहे वे वैष्णव साधु भी ऊपर आ गए और अपने कपड़े सेठ की नाक के पास रखकर बोले, देख टट्टी है या नहीं, ये कपड़ा तो तू ही रख, और कल यदि तूने मुझे एक नया कपड़ा मंगा कर नहीं दिया तो तेरा सारा सेठ बना निकाल दूंगा। यह देखकर सब हो हो करके हंसने लगे। सेठ ने बाध्य होकर सबसे माफी मांगी और साधु के लिए तत्काल नया कपड़ा मंगवा दिया। मुझसे भी कईयों ने कहा, जाइए आप भी सेठ के ऊपर अपना कंबल फेंककर एक नया कंबल मांग लीजिए, न दे तो चिमटे से मार मार कर वसूल कीजिए। धर्मशाले का पहाड़ी कर्मचारी भी मुझे भड़काने लगा। मैं बोला, उसने जानबूझकर तो मुझ पर कुछ फेंका नहीं और फिर अपने दोष के लिए माफी भी मांग ली है, तो फिर अब यह सब क्यों? इतना कहकर मैं गंगा जी में स्नान करके अपना कंबल धो लाया। आकर देखा सदानंद जी ने मेरे लिए गुड़ की चाय बना रखी है, उसे पीकर बड़ी राहत मिली। आसन के पास ही आग तपने का भी व्यवस्था हुई थी। वही बैठकर मैं अपना कंबल सुखाने लगा, फिर रात में भोजन करके सो गया। सुबह स्नान आदि से निपटकर मंदिर में दर्शन किया और घूम फिर कर नगर का भी परिदर्शन किया। टिहरी बड़ा सुंदर नगर है, वहाँ हाई स्कूल है, अस्पताल है और सब प्रकार की संस्थाएं है। 12 बजे उसी मंदिर में प्रसाद मिला, फिर रहने को स्थान ढूंढने निकला, परंतु निश्चिंत होकर रहने लायक कोई एकांत स्थान नहीं मिला। हर जगह भीड़ ही भीड़ थी, साधुओं के स्थान भी भरे हुए थे। कई लोगों ने कहा, एक माह पूर्व आते तो शायद अपनी पसंद का स्थान मिल जाता, परंतु इस समय तो असंभव है। आपको उत्तर काशी चले जाना चाहिए, वहां स्थान मिल सकता है और वह जगह भी सुंदर और ठंडी है।